डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन के सिंक्रोट्रॉन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था साइक्लोट्रॉन में, कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम उसमें एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती थी, कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो डी में अपना ऑर्बिट ट्रैवल करता है, दैट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन क्यू बी ओवर एम नॉट वेयर इंटू गैमा। गैमा इज़ दिस क्वान्टिटी 1 - v² / c² √। तो रिलेटिविस्टिक मास अटेन कर लेता है तो वो स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज ओमेगा डिक्रीजेज। जैसे जैसे वो मास ज़्यादा अटेन करेगा, ओमेगा डिक्रीज करेगी। तो इससे अगर हम फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करें तो दैट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर आप ये देखते हो कि वी बढ़ता है तो एफ कम होता है, तो वो स्लो डाउन हो जाता था, तो आउट ऑफ स्टेप हो जाता था। इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए जो हमने सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन स्टडी किया था उसमें हम एक्सटर्नल फील्ड की ये जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हम स्लो डाउन कर देते थे, ताकि ये आपस में पार्टिकल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मैच रहे, सो दैट पार्टिकल प्रॉपर एक्सलेट हो सके। वेयर एज इन दिस इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन व्हाट वी विल बी डूइंग, वी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल बी इंक्रीजिंग बी टू कंपनसेट द लॉस ऑफ दिस टर्म एज वी इंक्रीजेस। जितना वी कम वी इंक्रीज करेगा, 1 - v² / c² कम होगा, तो उसी रेट से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, सो दैट पार्टिकल और जो फील्ड है और जो उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच रहे और राइट टाइम पे वो इंटरवल पे पहुँचे और एक्सलेट हो। सो इसके लिए हम जो इसका इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का जो बेसिक पार्ट है, उसकी थ्योरी जो है वो हम इस वजह से स्टडी करते हैं कि सपोज कर लो किस हाउ इट गेट्स एक्सेलरेटेड। जैसे जैसे बी बढ़ेगा हम देखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ये कैलकुलेशन करनी है, दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय mc². तो अगर हम m into c को मोमेंटम p से डिनोट करें तो e becomes equal to p into c और p becomes e by c। एक ये मेथड है मोमेंटम निकालने का। दूसरा, जब साइक्लोट्रॉन की कंडीशन होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड mv² / r इज इक्वल टू ev into b। इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये मोमेंटम की वैल्यू er into b आ जाएगी। तो यहाँ से भी मोमेंटम की वैल्यू ई आर बी दोनों को इक्वेट कर दें, वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज इक्वल टू ई आर सी इंटू बी। एंड दिस ऑल्सो शोज कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज। सो वी गो बैक टू द मेन टॉपिक। सो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ई इज इक्वल टू ई बी आर इंटू सी। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, तो विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस इज हाउ इट गेट्स एक्सेलरेटेड। एंड सेकेंडली वी विल सी हेयर कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, दैट कैन बी गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1 / टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए वी कैन फाइंड दिस सर्कमफ्रेंस 2πr डिवाइडेड बाय c। सो फ्रीक्वेंसी बिकम c ओवर 2πr। सो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को जो हमने पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी उसके साथ इक्वेट करें तो वहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इफ़ यू सी दिस r बिकम्स इक्वल टू ई ओवर कैपिटल ई ओवर ई बी इंटू सी, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, e इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड b इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नो हेयर एज b इंक्रीजेस e ऑल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट e ओवर b रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस। So this also by this same formula we can also calculate what will be the maximum kinetic energy attained. Maximum kinetic energy will be attained when there is maximum magnetic field, that is the peak flux density. Ek is equal to Eb max into r into c. So this is the theoretical aspect that how we can accelerate it. Now, what will be the basic principle? Basic principle is that we again accelerate the particles in a donut shaped chamber and magnetic field is applied to keep it in a particular orbit to bend its path, and
we change the value of B so that with the increase of the energy of the particle, E over B remains fixed, so that R, the radius of the orbit, remain fixed. Now in this particular synchrotron, there are basically two parts. Initially, the particle is accelerated by betatron action, and then the particle gets accelerated by external RF field, radio frequency field, which is the step similar to that of cyclotron. So it's a mixture of cyclotron and betatron basically. So the construction part consists of this donut shaped chamber, and this donut shaped chamber which is kept between the pole pieces of the magnet, ring shaped magnet, and the pole pieces, they are designed in such a way that we get maximum field at the center and lower field at the sides. This is used to apply magnetic field to the this orbit, and the internal inner part of this donut shaped chamber, that is silver coated, and at certain points the silver coating is removed so that we can apply this radio frequency oscillating field between the two points when we have to apply the cyclotron action. And at the center of this part there are flux bars, so that is for betatron action, which gives the primary and secondary action of the transformer. Secondary is our orbit of the beta particle and primary are these flux bars. So whenever there is change of flux here, thus induced EMF is produced at the orbit. So initially the particle will be accelerated by betatron action, and then after that when it attains certain value of speed 0.98 of c, 98% of speed of light, and approximately 2 MeV of energy. After that, betatron action will stop. How it is stopped? These flux bars, they get saturated, and these are the steel bars, and when they get saturated, no induced EMF will be produced. So then this RF field gets switched on. The RF field, when it gets switched on, then the electron makes many revolutions in this path. And then each time it passes through this cavity, it gets accelerated. So by making a number of revolutions, when it has attained certain speed, then this RF oscillator is switched off, and then the path of the electron will also change. And secondly, most importantly, here this magnetic field is continuously increased in line with whatever is the mass attained, extra mass attained by the electron, so that the frequency remains fixed and the electron moves in a orbit of constant path. So B is modulated here when we switch on the RF oscillator. So by this method, we can electron can attain speeds, very very high energies, and these energies they can be of the order of approximately 330 MeV as compared to 7 to 8 MeV in betatron. So it can give very very high energies, but initially we have to give energy up to 2 MeV by betatron action till it attains this speed, and then after that we use the other method to accelerate it. And there are many advantages of electron cyclotron. We can give more energy to electron by this method, but the electrons, they start radiating energy when they get very very high energy. So there is not unlimited energy that we can give. We have to stop somewhere, and then when it attains the sufficient amount of energy, then it is taken out of this orbit by passing some extra current from the auxiliary bars, and then it can strike this target to bring about the nuclear reaction for what purpose we were accelerating it. So there are certain more things about what kind of magnets are used and these radio frequency sources, you can read it. And about this working part, I will be giving you notes, because working part is not, you are not to do it from the here. I will give you notes because there are little bit things mixed up here. So you just wait for my notes, and then you can study working from there. And then next time, in the next lecture, we will be studying this proton synchrotron, and you can revise this chapter only up to proton synchrotron. That will be sufficient. Dr. Manmohan will give you some notes about collider machines in brief, so that you can study.